क्या थिंग हमेशा उसके कंधे पर होती है? हम क्या पकाएंगे? हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या मुझे इस तरह का केक मिल सकता है? आसान, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मुझे आटा और दूध चाहिए। अब हम दो अंडे तोड़ते हैं। अब बटर, निश्चित रूप से चीनी और इन सबको आपस में मिलाते हैं। इससे एक अच्छा डो तैयार हुआ है ना वेंसडे? थिंग, चलो काम पर लग जाओ। पहले मुझे आटा दो, फिर दूध, अंडे और चीनी के बारे में मत भूलना। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स करो और मैं खुद से इसमें कुछ डालूंगी। हाँ, या इस तरह से यह बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा काम थी। हाथ ने उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो ठीक है बेन, तुम भी तैयार हो जाओ, हमें खाना पकाना है। मैं मफिन ले लेता हूँ और उससे इसकी पहली लेयर बनाऊंगा और अब मैं उसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करूंगा। अब छोटे मफिन की एक और परत और अधिक व्हिप्ड क्रीम। वाह, क्या कितना सुंदर लग रहा है। और वह हाथ वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरा केक तैयार हो गया। थिंग कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? खैर कोई बात नहीं, मैं केक बनाती हूँ। यह उसके बिना करना अजीब है। मेरा चाकू कहाँ है? चलो एक्स्ट्रा से छुटकारा पाए। खैर कम से कम थिंग ने इसे तैयार किया है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ और सीधा असली ब्रेन। क्या तुम्हें यह पसंद है बेटी? हाँ हाँ बेशक। खैर केक खुद नहीं पकेगा, अब दूसरे लेवल पर काम करने का समय है। मैं क्रीम के साथ केक को कवर करूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला के साथ समतल करूंगी। ऐसा लगता है कि केक में सजावट की कमी है। अब हम इसे ठीक कर देंगे। मैं मिल्क चॉकलेट के साथ मोल्ड को कवर करूंगी और लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से जमने में मदद करेगा। अब चॉकलेट पेस्ट और निश्चित रूप से नट्स और बस एक असली M&M's। बड़े वाले यहाँ हैं और मैं ऊपर से छोटे M&M को स्प्रिंकल्स करूंगी। अरे हाँ, मेरा केक तैयार है। मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। क्या यह सही नहीं है वेंसडे? यह बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शायद अपने केक पर खून डालूंगी और अधिक और ज्यादा। आंखों के बिना यह कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, यह बेहतर है। पेज को इंद्रधनुष बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे जोड़ूंगा। एकदम शानदार केक। वाह वेंसडे, अरे तुम्हारा केक जिंदा लग रहा है। बेशक यह जिंदा है, यह दिमाग है। चलो अब इसे चख कर देखो। ओह, यह एक बहुत बड़ा M&M केक है। और ये दिमाग क्या है? हाँ, मैं बेन के केक के साथ शुरू करना चाहूंगी। यह सिर्फ व्हिप्ड क्रीम और कपकेक है। यह बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह केक की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब शेफ के केक की बारी है। वाह, कितनी बड़ी कैंडी है। यह बेहद स्वादिष्ट है और केक भी उतना ही स्वादिष्ट है। वाह बेटी, मुझे लगता है कि अब वेंसडे के केक को चखने का समय है। आशा करती हूँ कि असली खून नहीं होंगे। अरे रुको, यह स्ट्रॉबेरी सिरप है और ये स्टफिंग के साथ गमी आंखें हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, और केक भी बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे ये जीत है, मैं अपने को रोक नहीं सकती हूँ। ओह, बधाई हो वेंसडे, मुझे यह केक बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक मानव हाथ है? बचाओ, ये मेरे सिर पर है, कोई इसे हटाओ। और वहाँ तुम हो थिंग। वहाँ क्या है? हाँ या, इस बार मुझे पास्ता चाहिए, नूडल्स या कुछ और।
एक बच्चा भी इसे आसानी से संभाल लेगा। यह इंस्टेंट नूडल्स है। मैं ढक्कन को थोड़ा खोलूंगा, सीजनिंग डालूंगा और केतली लूंगा। यहाँ बस, और वहाँ पर क्या है? ओह, कितना भयानक! उसने प्लेट पर गंदा कीड़ा डाला। वेंसडे, मुझे नहीं लगता कि पेस को ये पसंद आएगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए। ओह, तुम्हारे नखरे बहुत हैं। ठीक है, मैं इससे नूडल्स बनाऊंगी। जेली मिश्रण में बस पानी और थोड़ा लाल डाई मिलाएं और इसे मिक्स भी करना है। ऐसे अच्छे से मिक्स किया और मैं ग्लास में स्ट्रॉस के अतिरिक्त हिस्सों को काट दूंगी और उसमें बैटर डालूंगी। जब तक कोई देख नहीं रहा है, मैं ओरियो कुकीज को टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती, क्रीम वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं कुकीज से क्रम्स बनाऊंगी और मैं अपने गमी लार्वा को इसके ऊपर फैलाऊंगी। ऐसे निकाला और अब इसे उसके ऊपर डाल दूंगी, बिल्कुल नूडल्स की तरह। हाँ, वेंसडे बस कुछ भी करती है। और मैं घर का बना पास्ता बनाऊंगी, हाँ इस तरह का। और अब हमें इसे उबालने की जरूरत है। ओह, इतनी झंझट क्यों, यदि आप केवल इंस्टेंट नूडल्स में उबलते पानी डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करना है। मैंने कहा ढक्कन बंद करना है। अरे, ये बंद नहीं हो रहा है। हाँ, यह सही है। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं इसे आयरन से सुरक्षित रूप से पिघलाऊंगा। सीखो बेटी। इसमें ऐसा क्या है जो कुछ सीखा जाए? हाँ, तो अब मेरा पास्ता पक गया है। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। जरा इसे देखो, है ना अच्छा? और अब इस पर कुछ चीज ग्रेट करके डालेंगे और सजावट के लिए टमाटर का एक जोड़ा। बस, इस खूबसूरत चीज को देखो, कितना सुंदर। इतना सारा तामझाम, पर मेरे नूडल्स बदतर नहीं है। मैं बस इसे खोलने जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, बस गम के साथ स्ट्रॉ लगा देता हूँ। ये और भी सुविधाजनक है। तहराम, मेरे नूडल्स तैयार है। हमारा भी। वाह, आप सबने नूडल्स तैयार कर लिया है। शायद मैं सबसे सुरक्षित विकल्प के साथ शुरू करूंगी। ओह, क्या ये ज्यादा कड़ा नहीं है? किसी तरह का सूखा पास्ता, कुछ खास नहीं। और मिट्टी में ये कीड़े क्या हैं? यह जिंदा नहीं लगता। इसे खाया जा सकता है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। रुको फेज, एक मिनट रुको। यह जेली और ओरियो है। यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बेन, तुमने क्या तैयार किया है? लगता है मुझे फोक की जरूरत नहीं होगी। लगता है स्ट्रॉ से ढक्कन में छेद करने की जरूरत है। ये चबाया हुआ गम है। चलो ट्राई करती हूँ। इसका रस बहुत स्वादिष्ट है और नूडल्स भी। बेन, तुम जीत गए। मुझे वास्तव में यह पसंद है। सच में? क्या मैं जीत गया? ओह, ये तो होना ही था। मुझे माफ कर दो। तो अब क्या? बस, हाँ या इधर देखो, मुझे चॉकलेट चिप कुकीज चाहिए, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। बकवास, यहाँ पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इसे बॉक्स से बाहर निकालना है। मुझे लगता है कि मैं खुद ये खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और दूसरे क्या कर रहे हैं? इस बार मैं नहीं हारूंगी। हम आटा, दूध और दो अंडे लेंगे और फिर इन सबको मिलाएंगे और फिर मुझे डो को बेलना है। यह मेरे लिए एकदम आसान है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं अपना पसंदीदा बेलन लेकर आई थी। और अब मैं कुकी कटर के साथ भविष्य की कुकीज को काट दूंगी। बहुत सारे कुकीज काटती हूँ। मोल्ड कभी फेल नहीं होता है। वाह, यह कितना सुंदर है।
ओह वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस इसे काट रही हूँ, इसे टुकड़ों में बांटना जरूरी है। और अब हम इन सॉसेस को उंगलियों का आकार देते हैं। और एक नाखून के बिना कैसी उंगली? मैं उन्हें एक बेकिंग शीट पर रखूंगी और अब ग्लेज बनाती हूँ। चीनी, पानी और डाई को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। चलो अब इन उंगलियों को कवर करते हैं। सारी उंगलियों पर अच्छे से लगा दिया। अब इन्हें बेक करने का समय है। कंडक्टर कनेक्टेड, लाइट आने दो। ओ हाँ, यहाँ वे तैयार हैं। तुम्हें मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगा बेटी? ठीक है, मेरी कुकीज भी यहाँ पक गए हैं। अब हमें उन्हें चॉकलेट के साथ कवर करने की जरूरत है। मेरे पास उतने ही चॉकलेट रंग हैं जितने मेरे पास ये शेप्स हैं। अब बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना ही बाकी है। और मेरी बर्गर कुकी तैयार है, जरा इसे देखो। ओह कितना भयानक है। हाँ तुम बहुत धीमे हो, मैंने सब कुछ काफी पहले ही तैयार कर लिया है। ओ नहीं, सभी कुकीज कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? हाँ आइडिया, मैं ब्रेड को टोस्ट करूँगा, फिर मैं सफेद चॉकलेट का पेस्ट लूंगा। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। और नहीं, टोस्ट जल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पेस्ट से ढक दूंगा और इसे तैयार कर दूंगा। यह ओरियो की तरह है, आकार समान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज खा लेता हूँ। हाँ अब यह बेहतर है। मेरे लिए भी घिनौना है। ओह वाह, तुमने वास्तव में इस बार कोशिश की बेन को छोड़कर। यह सब क्या है? क्या किसी ने मुझसे पहले खा लिया है? ओह यह सब बहरा है। नहीं धन्यवाद, मैं वह नहीं खाऊंगी। और आगे क्या है? शायद ये विच उंगलियाँ। यह अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट। तो अब यह बर्गर, कितने सारे अलग अलग कुकीज है और एक असली बर्गर की तरह। बन स्वादिष्ट है, मैं इसे एक ही बार में खाऊंगी। कितने क्रंची और चॉकलेटी, मुझे ये बहुत पसंद आया। बेटी तुम खुद से आगे निकल गई हो, तुम जीत गई सच में। आखिरकार भले ही तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन धन्यवाद। ना कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कड़ाही और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह माफ करना, यह एक और संकेत है कि यह कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए, उसके बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ाम, कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा।
हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। यह ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और भर पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख और पी देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना से आपका है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में चौगुना स्वादिष्ट हो गया। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यह साधारण बर्गर की तरह है। और अब मैं जो करूंगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर ये सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वह जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंग, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो, उसके बाद हम इसे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है।
यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है, मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। और ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है, मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, यह कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है।